दोस्तों आपका स्वागत है एक नई गैजेट्स वाली वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं एक 43 इंचेस का स्मार्ट एलईडी टीवी, गूगल टीवी। तो आप देख सकते हो ये एसर का गूगल टीवी है। हम देखो बहुत सारे ऐसे टीवीज होते हैं जो बोलने को एंड्रॉयड होते हैं, गूगल टीवी होते हैं, बट वो होते नहीं है। वो गूगल के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये नहीं, ये वो नहीं है। ये एकदम ऑथेंटिक गूगल टीवी है, असली वाला गूगल टीवी, आई सीरीज का है। अब मैं बॉक्स तो खुलता नहीं हूं, बट मैंने बॉक्स सामने रखा हुआ है ताकि एक्साइटमेंट बढ़े। तो इस बॉक्स को मैं हटा देता हूं यहां पर ऐसे, और आपके सामने ये है टीवी। तो ये इसके बेजल्स वगैरह देखिए, साइड से बिल्कुल भी नहीं है। पास आइए मैं दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए कितने पतले हैं, तो बेजल्स लगभग ना के बराबर है। पूरा टीवी है 43 इंचेस का। अब इसमें बात करते हैं, इसकी पिक्चर क्वालिटी की बहुत अच्छी है। 4K टीवी है ये, और इसमें डॉल्बे का विजन एटमोस है। डॉल्बे आपको पता होगा, बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो ऑडियो ये सब आपको मिलती है। इसमें मोशन एस्टिमेशन और मोशन कंपनसेशन है। अब बहुत सारे लोग इसको सिर्फ बता देते हैं क्या होता है, इसका मतलब नहीं बताते। देखो मोशन कंपनसेशन मतलब एक फ्रेम से जब दूसरे फ्रेम में जब कोई वीडियो जाती है तो उसके बीच में एक और फ्रेम ये फिल कर देता है, जिससे कि जो वीडियो होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ नजर आती है। तो इसमें अगर आप लो क्वालिटी की भी वीडियो बेसिकली आप चला रहे हो तो आपको बहुत हाई क्वालिटी का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। क्योंकि ये गूगल टीवी है तो पूरा हाई टेक है, सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। 30 वॉट्स का जो उसका स्पीकर है, हाई फिडिलिटी स्पीकर है। 30 वॉट्स बहुत होते हैं एक टीवी के लिए। बस आगे आप चाहो तो और बड़े स्पीकर लगा सकते हो, बट मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अब मैं इसकी जरा पिक्चर क्वालिटी देखता हूं, इसको अपनी वीडियो को चला के देखता हूं, देखते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। अभी आप देख रहे हो मैंने अपनी ही वीडियो चलाई हुई है कॉपीराइट की वजह से। तो कलर्स देखिए, क्योंकि इसमें HDR10 है और 1.07 बिलियन कलर्स हैं, एकदम वाइड रेंज वाला इसमें कलर गैमेट है। तो आप देख सकते हो, दूर से दिखाइए ऐसे, पास से भी दिखाइए, क्वालिटी बहुत अच्छी है। रेड और बाकी सारे कलर एकदम क्रिस्प नजर आ रहे हैं। मैंने इसमें और भी वीडियो चला के देखी तो वो इतनी स्मूथ थी भी नहीं, मतलब वो वीडियो इतनी अच्छी थी भी नहीं, लेकिन वो इतनी अच्छी इसमें नजर आ रही थी। ये टीवी की पता है खास बात क्या है कि ये लो क्वालिटी की जो वीडियोस हैं उनको भी बहुत अच्छा दिखाता है, उनको अपस्केल करने की कैपेबिलिटी इसमें है। अब इसमें 2GB रैम है, 16GB का स्टोरेज है, जो कि एक टीवी के लिए बहुत ज्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे इसके UI की और नेविगेशन कैसा है। तो बैक जाते हैं और मैं होम पे चला जाता हूं, इस पे रिमोट ऐसा देखने को मिलता है इसमें। तो नेविगेशन बहुत ही स्मूथ है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे नीचे नीचे करके साइड साइड में होता है। नेटफ्लिक्स, YouTube, Prime Video, Disney Hotstar, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर मीटिंग मोड भी है एक, अगर आप मीटिंग मोड को लगा लेते हैं इसमें तो आप देखिए वायरलेस कास्ट कर सकते हैं आपके फ़ोन से, विंडोज़ कंप्यूटर, मैक, एंड्रॉयड, आईफोन, इन सब से आप इस पर कास्ट कर सकते हो। क्रोम कास्ट वगैरह जैसे काम करता है कास्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। यहाँ आप सोर्स देख सकते हो कि कौन से सोर्स से प्रेजेंटेशन देनी है, डॉक्यूमेंट को तो यहीं से खोल सकते हो, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, लेज़र, ये सब। अब इसमें गूगल मीट से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, अलग से लगा के इस पर आप वीडियो कॉल करो। टीवी मैनेजर है यहाँ पर, टीवी मैनेजर पर जाकर देख सकते हो आप कि पूरा सिस्टम कैसे कितनी मेमोरी ले रहा है, मेमोरी बूस्ट, क्लीनर, कोई ऐप्स वगैरह अनइंस्टॉल कर सकते हो, नेटवर्क टेस्ट कर सकते हो कितना फास्ट चल रहा है आपका इंटरनेट कनेक्शन, उससे ये बहुत अच्छा होता है। वर्ल्ड क्लॉक, ऑडियो कनेक्ट, नेट स्पीड देखो, बूस्टर, प्राइम वीडियो, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। तो मेरे हिसाब से बहुत कमाल का टीवी है। अब इसके प्राइस आप इसका गेस कीजिए, इसका प्राइस होगा क्या दोस्तों? ये सिर्फ 23,999 रुपए का टीवी है, स्पेशल इनका प्राइस है, लॉन्च होना है ये टीवी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की डील हो सकती है। अब इसमें वाईफाई की बात करें तो 5GHz का, जैसे आप देख सकते हो 5GHz, पास आइए, 5GHz का डुअल बैंड वाईफाई है इसमें, 2.4GHz का भी है। सो अगर पुराना राउटर भी है तो उससे भी ये कनेक्ट हो जाएगा, नया राउटर है तो भी उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके टीवी की बैक की, कि इसमें क्या मिलता है, इनपुट कैसे इसे देख सकते हो। जैसे नॉर्मल देखिए, यहां पर एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, डॉल्बी विजन एटमोस। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी प्लास्टिक को हटाने का जो सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ा फील करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बेजल्स और पास से दिखाऊंगा। मैं इसको हटा देते हैं और ये एक बड़ा मजा आता है इसको करने में। मजा तो आता है भाई, ऐसी बात नहीं है, मजा तो आता है। तो ये इसका ये स्टिकर निकल गया निकल, हाँ। तो अब इसके हम पीछे जाने वाले थे, तो ऐसे देखो एकदम स्मूथ है। नॉर्मली क्या था, रिमोट काम नहीं करते, लैग करते हैं, देखो
सर एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथ, एकदम नेविगेशन स्मूथ है और बहुत ईजी कर दिया गया है। ऐसे टक 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 ऊपर जाके आप इसके सेटिंग में जा सकते, डैशबोर्ड पे जा सकते हो। ऐसे यहाँ पर जाके सेटिंग पे इनपुट्स पिक्चर ये देखो सेटिंग पे चले जा सकते हो। उसके बाद देखो ये चैनल्स एंड इनपुट, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, अकाउंट, गूगल वगैरह से साइन इन कर सकते हो। सिस्टम एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन जो डली हुई है वो आप देख सकते हो। देखो यूट्यूब वगैरह सब ये डला हुआ है। सिस्टम अपडेट वगैरह भी आते हैं इसमें, तो अभी भी अपडेट मांग रहा था तो आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बात करते हैं इसके पीछे को। मैं इसको ज़रा टर्न करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। आप इधर आ जाइए प्लीज़। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको इथरनेट से कनेक्ट किया हुआ है फास्टर उसके लिए, मैं अपने मॉडम से। यहाँ पर देखिए इथरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। USB 3 का एक आपको यहाँ पर पास आइए, USB 3 का पोर्ट मिलता है, USB 2.0 मिलता है, एंटीना आप नॉर्मल जो चलाते दूरदर्शन वैसे तो कोई देखता नहीं है, है ऑप्टिकल का मिलता है। यहाँ पर आपको HDMI 1 है, HDMI 2 है, HDMI 3 है, तो इसमें तीन आपको HDMI देखने को मिलते हैं। ये ऑडियो का मिलता है और AV इन का मिलता है। सो नॉर्मली जैसे आपको ऑप्शन TV में मिलते हैं, हाईटेक TV में वो देखने को मिलते हैं 23,999 रुपये में। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया क्वालिटी का TV आपको मिल सकता है। मेरे को सच में यार बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी, मतलब मज़ा आ गया इसको चला के। इसके थोड़ी और वीडियो चलाते हैं थोड़ी, फिर इसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। देखते हैं और वीडियोस देखते हैं इसमें। तो इसमें अपनी दूसरी वीडियो चला दी है मैंने, देखो कितनी क्लियर दिख रही है। मेरा मिनी कंप्यूटर जो बनाया था मैंने, ऐसा लग रहा है ऐसे भी उठा के लूँ मैं, एकदम रियल लाइफ क्वालिटी देख सकते हो आप, बहुत शार्प है। थोड़ा देर चला के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा लग पाए। हालांकि कैमरा में एज इट इज़ दिखाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, बट मैं बता रहा हूँ आपको बहुत हाई क्वालिटी इसकी वीडियो है, एकदम क्रिस्प, एकदम शार्प। आवाज़ की बात करें तो 30 वॉट्स की आवाज़ हम जरा टेस्ट करके देखते हैं इसमें, तब तक ये चलता रहेगा। फुल वॉल्यूम करते हैं, किया जा सकता है। देखो ये पूरा फंक्शनल है और ये स्टैंड है, एक मोबाइल का स्टैंड है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ऐसे रख दिया मैंने इसको। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें आप टर्मिनल खोल सकते हो लिनक्स का, तो जितने भी पाइथन, मतलब मैं इसको अगर 30 पे भी कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा आवाज है, और 100 पे कर दे रहा हूं मैं इसको तो इतनी आ जा रही है बहुत तेज। और खास बात यह है कि इसकी आवाज ना फट नहीं रही। नॉर्मली टीवीज में जो स्पीकर होते हैं वो जब ज्यादा आप तेज आवाज कर देते हो तो फटने लगते हैं, ये चीज इसमें नहीं है। तो ये इसके स्पीकर्स भी बहुत हाई क्वालिटी के, 30 वॉट्स के इसके स्पीकर्स हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत अच्छी चॉइस है, और अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में और डिटेल्स में लिख दूंगा जो फर्दर मेरे को ऐड करनी है इसमें। मेरे हिसाब से थम्स अप है, बहुत अच्छा टीवी, आई सीरीज का, डॉल्बी विजन एटमोस के साथ, एसर का, 43 इंचेस, 23,999 रुपीस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। इस टीवी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन चेक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।